डीएन हरियाणा नंबर वन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद है जुलाना के प्राचीन सत्यनारायण मंदिर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज विशाल निशान यात्रा निकाली जा रही है। द्वादशी के अवसर पर जुलाना के प्राचीन सत्यनारायण मंदिर से लेकर ये खाटू श्याम जी मंदिर तक जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ महिलाएँ निशान लेकर खाटू श्याम जी की ध्वजा लेकर निकली हैं। ये यात्रा जुलाना के प्राचीन खाटू श्याम जी मंदिर तक जाएगी। यह भीड़ नहीं चलेगी, लाइन बढ़ाओ, सिर्फ दो आदमी का सिस्टम था, उसके पीछे पूरी लाइन होनी चाहिए। बाजार बनो दिखना चाहिए, शाम का ताल लग रहे हैं भीड़ में बिल्कुल लाइन बढ़ा के चलना, बिल्कुल पैरम से आनी दिनेश रोजा जी आज की बजाओ यात्रा निकाली जा रही है। आज फागुन की द्वादशी, सभी शाम भक्तों का एक मन होता है कि हम बाबा के दर पे जाए, ध्वजा चढ़ाए, लेकिन सारे भक्तों का भाग्य नहीं होता कि खाटू पहुंच पाए। तो आज जुलाना के श्याम मंदिर की ये संगत है, सारे श्याम भगत है, आज ध्वजा यात्रा लेकर यहाँ सतरण मंदिर से चलकर खाटू श्याम मंदिर जुलाना में पहुंचेंगे और श्याम बाबा का जयकारा करते चलेंगे। शास्त्री जी, बात की जाए ये यात्रा की, तो किस तरह महत्व है इस यात्रा का? जी, फाल्गुन शुक्ला द्वादशी का तो जितना महत्व हम वर्णन करें उतना बहुत कम है, क्योंकि शास्त्र में उल्लेख है कि साक्षात 33 करोड़ देवी देवता भी खाटू नरेश की जयकार बोलते हुए, साक्षात श्याम जी महाराज की जयकार बोलते हुए गांव गांव नगर नगर में ये शोभा यात्राएं हर जगह हर स्पर्श निकाली जाती है। और आज की शोभा यात्रा सत्यनारायण भगवान मंदिर से निकल करके सीधा खाटू मंदिर में हमारे जुलाना मंडी में पहुंचेगी। छोटा सा विग्रह यहाँ भी सत्यनारायण भगवान मंदिर में पहुंच चुका है। सभी भक्तगण मिलकर भगतजन आज शोभा निशान यात्रा में भाग लेकर के पुण्य के भागी बन रहे हैं। जय श्री श्याम। किस तरह का फल प्राप्त होता है इस निशान यात्रा में शामिल होने के बाद? अन धन तन मन सुख समृद्धि शांति के लिए ये शोभा निशान यात्रा जो नगर परिक्रमा होती है, साक्षात खाटू नरेश जी अपने भक्तों पर भ्रमण करते हुए दया दृष्टि डालते हैं और सारे दुखों को हर लेते हैं। बोले जीवा।